1962 में आज ही के दिन पेरू के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी इलाके में पत्थरों और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के सरकने से कई गांव और शहर दब गए थे, जिसमें कम से कम 2000 लोगों की मौत हो गई थी। पेरू की सबसे ऊंची चोटी एंडस से लाखों टन बर्फ, चट्टाने, कीचड़ और मलबा तेजी से नीचे की तरफ आया और घाटी में बसी आबादी को पूरी तरह से दफन कर दिया। भयंकर तूफान की वजह से राहत कार्य में भी काफी बाधा हुई। पेरू में रेड क्रॉस के प्रमुख के अनुमान के अनुसार दुर्घटना में 2 से 2500 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की तादाद 3 से 4 हजार थी। कुछ जगहों पर यह संख्या 4 हजार के आसपास बताई गई, लेकिन सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। 1966 में आज ही के दिन देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध खत्म होने के बाद 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी ने पाकिस्तानी सैन्य शासक जनरल अयूब खान के साथ तत्कालीन सोवियत रूस के ताशकंद शहर में ऐतिहासिक शांति समझौता किया था। हैरानी वाली बात यह रही कि उसी रात शास्त्री जी का कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू के अचानक निधन हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पद भार ग्रहण किया था। 1972 में आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया। 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक प्रांत था जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जबकि वर्तमान पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। कई सालों के संघर्ष और पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और बांग्ला भाषियों के दमन के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बगावत की। 1971 में आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह पर आमादा लोगों पर जमकर अत्याचार किए। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भारत ने पड़ोसी होने के नाते इस जुल्म का विरोध किया और क्रांतिकारियों की मदद की। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग हुई। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1998 में आज ही के दिन अल्जीरिया में हुए कत्लेआम के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। दरअसल 1997 में उत्तरी पश्चिम अल्जीरिया में हमले की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि हमला शाम की नमाज के बाद हुआ। राजधानी अल्जीरियर्स के दक्षिण में स्थित एक शहर में एक सिनेमाघर और पास की मस्जिद में देसी बम फेंके गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि जो लोग बम हमले में बच गए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गई थी और छुरों, भालों और कुल्हाड़ियों से हमले किए गए। दिसंबर 1997 तक क्षेत्र के गांवों और पहाड़ी बसावटों में 800 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। एक हमले में 400 लोगों को एक साथ ही कत्ल कर दिया गया था। दहशत की वजह से हजारों लोगों ने इलाके से पलायन कर दिया था। और 2008 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी का निधन हुआ था। सर एडमंड हिलेरी ने 29 मई 1953 को केवल 33 साल की आयु में नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग न्योर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा था। हिलेरी ने एवरेस्ट के बाद 50 और 60 के दशक में हिमालय की 10 और चोटियों पर भी चढ़ाई की। खोजी तबीयत के हिलेरी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की यात्रा पर भी गए। हिलेरी 1980 में भारत में न्यूजीलैंड के राजदूत भी रहे। भारत सरकार ने सर एडमंड हिलेरी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। हिलेरी को 2003 में नेपाल की नागरिकता भी दी गई थी।